आज हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल पर शेप का यूज कैसे करते हैं, शेप को बनाकर उसको एडिटेबल कैसे बनाते हैं, और अगर किसी पिक्चर को शेप के अंदर करना है तो कैसे करते हैं। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल ओपन कर रखा है। तो देखिए, अभी हम सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए शेप का ऑप्शन है। उससे पहले आपको एक बात जान लेना है कि अगर क्लिप आर्ट का यूज और इसकी शॉर्टकट की नहीं मालूम है तो वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना। ओके, तो हाँ देखिए, अभी हम शेप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको सभी तरह के शेप मिल जाएंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर किसी भी एक शेप पर क्लिक करते हैं, इसके बाद शिफ्ट को दबा के रखना है और इस तरह से बना लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, शेप इंसर्ट करने के बाद ऊपर एक फॉर्मेट मेन्यू ऐड हो जाता है। यहाँ पर देखिए शेप स्टाइल है। तो अभी हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी शेप इंसर्ट किया है उसकी स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर इस फिगर के अंदर कुछ टाइप करना है तो इसी पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे अभी हम स्किल नॉलेज लिख देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, अगर इस लिखे हुए टेक्स्ट के स्टाइल, कलर या आउटलाइन वगैरह चेंज करना है तो इस बॉक्स में केवल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर इस शेप पर इफेक्ट डालना है तो ऊपर यहाँ पर देखिए, अभी हम शेप इफेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, अगर इसकी आउटलाइन चेंज करना है तो ऊपर देखिए, यहाँ शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं और आउटलाइन को मोटा पतला भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर इस फिगर के अंदर किसी पिक्चर को ऐड करना है तो देखिए, सबसे ऊपर शेप फिल पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे लास्ट में देखिए, अगर आपको टेक्स्चर अच्छा लगता है तो फिल कर सकते हैं, बट अभी हम टेक्स्चर फिल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर देखिए, अभी हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो पिक्चर ऐड करना हो, यानी कि आपकी पिक्चर जहाँ पर भी सेव हो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम इस पिक्चर पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, शेप के अंदर हमारी पिक्चर कितनी आसानी से सेट हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो इस पर कर्सर रखिए और इसको डिलीट कर दीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और टिप्स जानेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा।